दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ में, सरकारी स्कूल है। और आपको बता दें, एक दोस्तों ने ग्रुप बनाया है जो पहले स्कूल में पढ़ते थे, अभी सेटल हो गए हैं, सभी अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप स्कूली बच्चों की मदद करता है। कॉपी किताब और बैग वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, शूज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आज भी यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों को कुछ न कुछ दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा अभी हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं प्रिंसिपल हैं अशोक त्यागी जी और तमाम स्कूल के स्टाफ यहां पर मौजूद हैं, सभी टीचर यहां पर मौजूद हैं, सभी बच्चे यहां पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, बच्चों को दिखाइए, घुमा के कैमरा मैन, तालियाँ बजा रहे हैं बच्चे, काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज इन्हें कुछ मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं बच्चों को क्या मिलने वाला है। वैश्य अग्रवाल समाज के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो वैश्यों का एक उन्होंने समूह बनाया है। और जो ग्रुप है वो फ्रेंड्स ग्रुप है, यानी फरीदाबाद फ्रेंड्स ग्रुप। बटा हुआ हमारा समाज जिसे हम मानते हैं वर्गों में, उसमें हमारा वैश्य जो समाज है, यही एक ऐसा वैश्य समाज, ऐसा समाज है जो हमारे पूरे पूरे हमारे समाज को, परिवार को, सबको, क्योंकि व्यापारी वर्ग है पूरा, जो थे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में आप आज के कार्यक्रम में उपस्थित। और कुछ इसके बाद श्री सुनील बंसल जी, आप भी समाज सेवा ही करते हैं। तो दोस्तों शूज मिलेगा, सॉक्स मिलेंगे और स्वेटर मिलेंगे। ये स्वेटर हैं, ये देखिए सर्दियों में काम आएंगे बच्चों के। उधर शूज है, शूज दिखा दो, तो बहुत अच्छी बात है, ये स्कूली बच्चों को मिलने वाला है। सॉक्स हैं, तो इस तरह अगर सभी लोग मदद करें बच्चों की तो बच्चे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनको इंस्पिरेशन मिलेगी और ये आगे बढ़ेंगे। बाकी हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखा रहे हैं कैमरा में। व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्तित्व है, उनकी कोशिश ये होती है कि और भी बहुत छोटी छोटी चीजों की जरूरत के पीछे कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से पीछे ना रह जाए, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब हमारे विद्यालयों में छात्र पूरी तरह से अपने भविष्य को संवारते हैं। इसी के साथ श्री विनोद गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ। आप भी यहाँ समाज सेवक के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही मैं श्री महेंद्र सिंह जी, जो कि बल्लभगढ़ में विधव गोपाल देवी ऊंचा गांव के ऑनर पर्सन हैं, और मैंने कहा बहुत बड़ा दिल रखना होता है, एक सेवा का ही कार्य है, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी के साथ आपने देखा है मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित हैं। तो संसार दो पहियों पर चलता है और इन दोनों के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, स्त्री और पुरुष। उसी संगम में वैश्य महिला मंडल से हमारे बीच में अधिकारी गण आए हुए हैं, श्रीमती रेणु गुप्ता जी, जो कि श्री राजेश गुप्ता जी की अर्धांगिनी भी हैं और साथ साथ उनके इस समाज सेवा के कार्य में उनकी पथगामिनी भी हैं। और आप श्रीमती हेमा जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत करती हूँ मैं आपका। श्रीमती इंदु गोयल जी हमारे बीच में हैं, और आप देख रहे हैं मेरे पास जो नाम आ गए थे और भी आप मुझे, हाँ नाम बता दीजिए मैम। हमारे बीच में समाज सेवक ही हैं श्रीमती कमलेश जी का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारे विद्यालय परिवार में आपका स्वागत करती हूँ, फिर से स्वागतम स्वागतम वेलकम सुप्रभातम। एक बार वही क्लैप आप एक बार फिर बजाएंगे। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में मंच पर उपस्थित श्री गोयल जी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बच्चों से वो दो शब्द कह करके आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।
नमस्कार बच्चों, आदरणीय प्रिंसिपल सर, यहाँ की जितनी भी शिक्षाविद जो भी आपकी टीचर्स हैं, मैं उन सब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस लायक हमें समझते हैं कि हम आपके साथ कभी जुड़ जाएं। हमारा मकसद आपको ये जूते देना या स्वेटर देना ये सब कुछ नहीं है। हमारा मकसद है कि आप किसी चीज से जुड़ जाएं, आपके दिल में एक भावना पैदा हो कि हम समाज के लिए कुछ करें। हम ये चाहते हैं कि भी हम आपको प्रेरणा बने, आप आगे जाकर जीवन में कुछ कर जाएं। इसी मकसद से हम लोग इकट्ठे होते हैं। ये हमारा ग्रुप जो है, हम जब लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तब का ग्रुप बना हुआ है और हर साल हम लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि समाज के लिए क्या किया जाए। एक छोटा सा प्रयास हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम जब देखते हैं कि सर्दी में बच्चों के पास जूते नहीं होते, स्वेटर की वजह से ठंड में सिकुड़ते रहते हैं बच्चे, तो कोशिश ये रहती है कि उनके लिए कुछ किया जाए। हम ये सीधे सीधे भी आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद कोई मीडिया में आना नहीं है, हमारा कोई न्यूज़पेपर में आना नहीं है, हमारा कोई किसी तरह का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के बीच में इसलिए आते हैं कि हमें कुछ आपको बता सकें कि भाई कुछ ना कुछ आप जब कुछ बन जाए तो कम से कम समाज के लिए आपको ये याद रहे कि हमारे बड़े या हमारे बीच में कुछ लोग आते थे जो समाज के लिए कुछ करते थे। तो हमारा मकसद ये रहता है कि आप एक प्रेरणा स्रोत बने। हो सकता है आप ही में से कुछ बच्चे IAS निकल जाएं, कहीं अच्छी पोस्टों पर निकल जाएं। तो हमारा मकसद ये है कि आपके दिल में एक भावना पैदा हो कि कुछ अच्छा काम करें। ये आपकी जरूरत नहीं है कि भी आपको एक जूते की जरूरत है या ट्रैक्टर, ये तो सिर्फ एक भावना है कि भी आप लोगों से जुड़ जाए किसी भी तरीके से। तो मकसद आपके बीच में इन महिलाओं को लाने का भी ये मकसद है कि भी आपको ये पता लगे, इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आप ही के स्कूल से पढ़ी हुई हैं और आज देखो आपके सामने बैठी हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि कम से कम आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आए कि कभी सामने बैठने लायक आप लोग हो जाएं। मेरा यही सब लोगों को आशीर्वाद है कि भी किसी भी तरीके से आप समाज के लिए कुछ अच्छा करें। पढ़ाई के साथ साथ तो ठीक है, पढ़ना तो है ही है, लेकिन दिल में एक भावना भी पैदा होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ रहें कहीं और रहें, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के लिए भी साथ साथ करते रहें। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले संडे को हम लोग वही पुराना ग्रुप अपनी फैमिली के साथ लेकर हम लोग विशालगढ़ फार्म गए। गुड़गांव के पास विशालगढ़ फार्म है, वहाँ हमने अपना एक फैमिली गेट टुगेदर किया। लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कम से कम 2000 स्कूल के बच्चे वहाँ पर उस फार्म हाउस में उपस्थित थे। पूरे दिन का वो प्रोग्राम था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से भी, मैं टीचर्स से सबसे अनुरोध करता हूँ कि इन बच्चों को भी कम से कम ऐसी जगह पर साल में एक बार लेकर जाया जाए ताकि इनके दिल में भी ये हो कि हाँ हम भी कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो प्रिंसिपल सर आपके इतने अच्छे हैं, टीचर्स आपकी इतनी अच्छी हैं कि आपके साथ हमेशा सहयोग रखती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ इस तरह का करते होंगे जिसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करता हूँ कि साल में कम से कम आप लोग एक बार जरूर बाहर जाएं और घूम कर आए। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। मेरा भाई जो है वो नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो तो साइंस के स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अगर वो कभी भी ऐसा ग्रुप वहाँ पर 50 लोगों का, बच्चों का, लड़कियों का लेकर जाना चाहें, उनको एटॉमिक पावर स्टेशन जो शायद
जिंदगी में शायद एक बार भी बड़ी मुश्किल से देखना नसीब होता है। साइंस की टीचर्स भी शायद वहां पर कभी नहीं गई होंगी जो एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो मैं कहकर उनसे अनुरोध कर सकता हूं कि आपका एक ग्रुप पर्टिकुलर साइंस के स्टूडेंट का वहां पर जरूर जाए, ताकि वो देखें कि एटॉमिक पावर स्टेशन जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं वहां पर कैसे परमाणु से बिजली बनती है, किस तरह का वहाँ एटमोसफियर है, क्या चीज होती है, क्या रेडिएशन होते हैं, जो आपको जानकारी मिले। तो अगर आपका इस तरह का कोई ग्रुप बन सके तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी और आपका एक ग्रुप वहाँ पर जाए। और अच्छा, बस इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे निकले पढ़ाई के साथ साथ एक समाज सेवा की तरफ भी ध्यान रहें, और आप में से कुछ बच्चे इस लायक जरूर हों जो अपने स्कूल के लिए काम करते हैं। मैं भी इसी अग्रवाल स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और आज कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अग्रवाल स्कूल के बच्चों को जो भी किसी तरह की कमी कोई किसी तरह की हो। मेरे ऐसे से दोस्त हैं, जब मैंने ये बात कही कि भी हमें कुछ शूज देने हैं, कुछ जर्सियां देनी है, मेरे एक दोस्त है राजीव मंगला, उन्होंने मुझे कहा कि कितने पैसे खर्च होने हैं, कहते मैं अकेला देने को तैयार। आप उम्मीद करें कि वो एक आदमी हमारे साथ बीच में ऐसा है कि कहता नहीं सारे पैसे मैं दूंगा, लेकिन हमने उससे कहा नहीं ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, बूंद बूंद से घड़ा भरना चाहिए, एक ही आदमी उसमें पानी ना डाले। तो कोशिश ये रही कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब ने थोड़ा सा बूंद बूंद करके घड़ा भरा, जो बाकी कमी रह गई वो राजीव मंगला जी से पूरी कर लेंगे हम लोग। तो मैं इसी आशा के साथ और स्पेशली आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली इन टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस लायक समझते हैं। प्रिंसिपल सर का तो मैं जितना धन्यवाद कर सकता हूँ वो मेरे लिए कम है। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी और एक विचार हमारे बीच में छोड़ने के लिए कि ये कार्यक्रम जो है ये कोई केवल कार्यक्रम नहीं है, ये केवल एक कोशिश है, जिस कोशिश के तहत ये कोशिश की जा रही है कि ये बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। अभी सर ने जैसा कहा कि यहाँ से बच्चों के टूर, तो सरकार की भी ये कोशिश रहती है। सर मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि विद्यालय से इस तरह के टूर जाते रहते हैं, लेकिन सर ने अभी जो विज्ञान के बच्चों के लिए कहा, अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे कि इस तरह के टूर जो है बच्चों को वहां ले जाया जाए, ताकि उन्हें जानकारी भी मिले और एक मौका भी मिले कुछ करने का, कुछ सीखने का। मैं आपके बीच में हमारे विद्यालय से हमारे प्रधानाचार्य जी को एक बार यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय के विषय में और बहुत सारी जो चीजें हैं जो आपको मालूम है, जो शायद हमें भी नहीं मालूम है, वो एक बार हमारे बच्चों को और हमारे बीच आए हुए हमारे मेहमानों को उसकी जानकारी हमारे सर हमारे बीच में बहुत अच्छे से दे सकेंगे। मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि एक बार मंच पर हमारे बीच उपस्थित हों। धन्यवाद जी। सर मैं समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए अतिथिगण, राजेश गुप्ता जी और इनकी टीम, प्यारे बच्चों, अध्यापकों, मैं राजेश गुप्ता जी और इनकी पूरी टीम का विद्यालय में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा स्वागत करता हूँ। बच्चों ये हर साल आते हैं हमारे विद्यालय, और जो भी बच्चे स्वेटर या शूज या सॉक्स वगैरह नहीं ले पाते उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बच्चों समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, और वो कोशिश ये करते हैं ये हेल्प जहां जरूरत हो वहां तक पहुंचे, और हम अभी हेल्प लेने वालों में हैं। लेकिन इस हेल्प को लेने के साथ साथ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कल जब हम किसी लायक बन जाए, पढ़ लिख लें, तो हम इधर की बजाय हमें इधर भी आने की कोशिश होनी चाहिए। मींस जो आज की तारीख में हमें लग रहा है समाज हमारी हेल्प कर रहा है या सरकार हमारी हेल्प कर रही है, वो चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमें सीखनी बहुत जरूरी है कि हम कल को इसी तरह से हेल्प
कर सके, क्योंकि देने वाला बनना बहुत अच्छी बात है, लेने वाले तो सब हैं, लेकिन हमें कल को कैसा बनना है? देने वाला बनना। और वो हम कैसे बन सकते हैं? यानी कि जो हमारा जिस समय पर कार्य है उसे बहुत अच्छी तरह से कर सके। आज हमारा टाइम जो है वो सिर्फ पढ़ाई का है, ये पढ़ाई ही हमें डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पर जाना है, ठीक है? नहीं, हम में से ही बहुत सारे लोग यहाँ भी बने। अभी आप लोगों को बताया है, मैडम हमारे स्कूल से ही पढ़ी हुई है। बेटा जो हमारे ही पिछले स्कूल में, जिस बिल्डिंग को हम छोड़ के आए हैं, कॉलेज है उसमें, उसमें भी दो लेक्चरर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हमारे स्कूल की ही पढ़ी हुई है। पिछले साल जो अभी ट्रांसफर होके गए हैं उनमें से चार लेक्चरर, चार पीजीटी हमारी ही स्कूल की पढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं है हमारे स्कूल के बच्चे बेटा नहीं पढ़ते या नहीं जाते। पहले तो यही रूटीन था, लड़कियां 99% मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ती थी, चाहे कैसे भी घर से है, कैसा भी परिवेश है। वो थोड़ा सा भी मॉडर्न एज है, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें चेंज करना है। हमें वही चीज़ दिखानी है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे अच्छे निकलते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे आगे जाते हैं। गुप्ता जी को एक बात मैं बताना चाहूँगा, आजकल नई बीमारी चल रही है डिप्रेशन की। गुप्ता जी पहले ये बीमारी शायद नहीं होती थी, क्योंकि जनरली सब ठुक पिट के गवर्नमेंट स्कूल से ही निकले हुए होते थे, सबको संस्कार, सबको मजबूती गवर्नमेंट स्कूल से ही मिलती थी। आज की तारीख में जो प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी पढ़ रहे हैं वो मेंटली भी वीक हैं और फिजिकली भी वीक हैं, और हमारे बच्चे आपको ये बीमारी से दूर मिलेंगे, मेंटली भी स्ट्रोंग मिलेंगे और फिजिकली भी स्ट्रोंग मिलेंगे, क्योंकि इन्हें खुला एनवायरनमेंट मिलता है। और पढ़ाई की बात, हमारे कम से कम जो साइंस के बच्चे हैं उसमें से 8 से लेकर 10 बच्चे हर साल YMCA में जाते हैं। 2 साल पहले हमारी लड़की MBBS में एम्स में भी सिलेक्ट हुई थी, और इंजीनियरिंग में तो बहुत बच्चे जाते ही हैं। और जो हमारा कॉमर्स वर्ग है, जनरली साइंस की जगह हमारे टॉपर्स कॉमर्स वर्ग के होते हैं, और हमारे में से कई बच्चियाँ CA भी ही हैं जो बन के सेवा देने के लिए भी तैयार हैं। टूर गवर्नमेंट्स टाइम टाइम पे भेजती रहती है, अभी भी एडवेंचर कैंप 2 बार गए हुए हैं, जिसमें हमारी विद्यालय की 10-10 लड़कियां गई थी। एक बार पहले 10 गई थी, दूसरी बार 10 गई थी। अभी भी इन लोगों के नाम लिए हुए हैं, एक टूर मनाली या हिल एरिए में जाएगा, अभी वहाँ पे घूम के आएंगे। तो गवर्नमेंट भेजती रहती है, हम लोग भी इन्हें भेजते रहते हैं। और हमारा रिजल्ट तो आप लोग देखते ही हैं, 12th का रिजल्ट यदि कोविड पीरियड छोड़ दिया जाए उससे पहले 185 बच्चों की हमारी मेरिट थी 12th में, यानी कि अबाउट 80% मार्क्स 180 बच्चों के। और जहां भी प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, चाहे फाइन आर्ट्स के जाएं, चाहे ड्रामे में जाएं या किसी में भी जाएं, ये जहां भी जाते हैं प्राइज लेके जरूर आते हैं। ऐसी जगह कोई नहीं जब इन्हें प्राइज ना मिला हो। तो हम कोशिश यही करते हैं सीमित संसाधनों में आप लोगों के सहयोग से जो भी इन लोगों को फैसिलिटीज मिल सके वो हम देने की कोशिश करते हैं, और इन बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं जैसे समाज इनकी हेल्प कर रहा है ये आगे चल के समाज की हेल्प जरूर करें। धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैं प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब हमारे बीच में श्रीमती हेमा जैन मंच पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूँगी कि वो हमारे बीच में आएं और हमारी छात्राओं के लिए अच्छे विचार उनके बीच में उनको दें। थैंक यू, आइए मैम। आदरणीय प्रिंसिपल सर को मेरा नमस्कार, और सभी शिक्षिकाओं और शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। मैं यहाँ पर हर साल आ रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं आप सबकी सीनियर, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ, और मुझे फख्र होता है बताने में, मेरे को कोई इस बात में संकोच नहीं होता
कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। कारण कि आजकल एक प्रथा बन गई है कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो ही हम ज्यादा मॉडर्न या ज्यादा पढ़े लिखे कहलाएंगे। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल ही क्रीम निकालता है, बच्चों में जो प्रतिभा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही निकलती है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि सभी लड़कियां जो कि सोचती हैं गवर्नमेंट स्कूल में क्या ये ड्रेस, सबसे पहले जो मैं ड्रेस का कहना चाहती हूँ कि हमारे दो चोटी बना के आती है और सफेद सूट या गुलाबी सूट या कोई भी ड्रेस पहन के आती है, ये क्या होता है, ये हमारी सुंदरता, सबसे ज्यादा सुंदर हम गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां लगती हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लें, सबसे सुंदर गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां लगती हैं। सोशल मीडिया पे बिल्कुल मत जाओ, सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं, करंट का अफेयर है, एक लड़की श्रद्धा नाम की हिंदू दलित समाज से, उसके 35 टुकड़े कर दिए। पढ़ा है आपने? पढ़ा है तो इसलिए पढ़ाई लिखाई, सिर्फ पढ़ाई लिखाई किताबी ज्ञान जरूरी है मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना दिमाग खोल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना होगा। ये मेरा संदेश बस मैं देना चाहती हूँ आज आप लड़कियों को के पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई तुम्हारा गलत यूज नहीं कर सके, कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सके। आज लड़कियां सोशल मीडिया से इतना अटैच हो गई हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ तुम करो, सोशल मीडिया का यूज करो, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के करो कि कोई सोशल मीडिया पर हमारे को इस्तेमाल नहीं करता। हमारे हमारे दिमाग को अपने विचारों से हावी ना कर सके। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम लड़कियां दोस्तों सभी समझदार हो, ये स्वेटर वगैरह दिए जाएंगे छात्रों को, छात्राओं को, और ये सॉक्स वगैरह दिए जाएंगे, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी देर में होगा, तो बहुत अच्छा काम है। और भी जो समाज सेवी हैं, जो संगठन है, इसी तरह से स्कूली बच्चों की मदद करनी चाहिए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फ्रेंड्स ग्रुप बनाया गया है जो मदद कर रहा है, इनका यही मोटिव है, यही उद्देश्य है। तो आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसी तरह से बच्चों की मदद करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।